ये देखिए फ्रेंड, आज के रात के डिनर में है मटर पनीर। ये हरा मटर, ये पनीर, इसका ये मटेरियल। आज मटर पनीर एकदम सब्जी ज़बरदस्त बनेगा बिहारी स्टाइल में। हम वीडियो के साथ बने रहें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बड़ों को प्रणाम और छोटों को हेलो। अभी इवनिंग के 7 बजे हैं। आज रात के डिनर में मटर पनीर बनने जा रहा है। हरा मटर और पनीर है, शुद्ध वही बन रहा है। आपको भी दिखाते हैं कि कैसे बनता है मटर पनीर। आप वीडियो के साथ बने रहें। अगर रेसिपी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रिपेयर होता है मटर पनीर का सब्जी। ये देखिए फ्रेंड, आज बनेगा मटर पनीर का सब्जी। ये हरा मटर, ये पनीर है सुधा का, ये इसका मटेरियल। आप वीडियो के साथ बने रहें। एकदम ज़बरदस्त आज मटर पनीर बनेगा बिहारी स्टाइल में। देखिए मटर पनीर कैसे बनता है। ये देखिए फ्रेंड, कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई अब गर्म भी हो गया है। अब ये सरसों तेल डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे। इसको गर्म होने के बाद फिर फ़ौरन डालेंगे। तेल पूरा एकदम गर्म हो गया है। अब ये फ़ौरन में थोड़ा खड़ा गर्म मसाला और जीरा है, इसको डालेंगे। अब इसके बाद ये तेज पत्ता और लाल मिर्च भी डालेंगे। अब ये देखिए खड़ा लहसुन भी डालेंगे। ये पका हरा मिर्च भी डालेंगे। और इसको जलने के बाद फिर प्याज डालेंगे। ये अच्छी तरीके से जल गया है। अभी इसको प्याज, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको ना ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे प्याज गलने के लिए। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। नमक देने से प्याज आराम से जल्दी से गल जाएगा। प्याज बड़ा बड़ा है, मोटा लेयर है। अब इसको ढक के, अच्छा से इसको भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, प्याज ब्राउन हो गया है। थोड़ा सा और हल्का ब्राउन होने देंगे। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए इधर ग्राइंड करके रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा और हल्का ब्राउन होने देते हैं। प्याज ब्राउन हो गया है। अब लहसुन अदरक का जो पेस्ट ग्राइंड करके रखे हुए हैं, अब उसको डालेंगे। अब इसको 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हल्दी का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद ये हल्दी, इसको मिला लेते हैं अच्छी तरीके से। इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद और मसाला डालेंगे। हल्दी पाउडर के बाद ये देखिए धनिया पाउडर, इसको भी मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। धनिया पाउडर के बाद, अब धनिया पाउडर के बाद ये जीरा पाउडर, और इसके बाद गोलकी पाउडर डालेंगे। जीरा, अब जीरा पाउडर के बाद ये हल्का सा गोलकी पाउडर,
अब लास्ट खाली गरम मसाला बाकी रह गया, वो बाद में डालेंगे। अब ये सब मसाला को अच्छी तरीके से 4 मिनट तक पूरा अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद ये कटा हुआ टमाटर डालेंगे, अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मसाला को ये देखिए 2-3 मिनट फ्राई कर लिए हैं। अब ये कटा हुआ टमाटर डालेंगे, क्योंकि टमाटर को भी गलना ज़रूरी है, गलाना। अब ये सब सारे मसाले को एकदम 5 से 8 मिनट तक एकदम अच्छा तरीके से फ्राई करेंगे, तब मसाला का एकदम कलर निखर के आएगा, स्वाद बहुत टेस्टी बनेगा। 2 छोटा छोटा टमाटर लिए हैं, ये एक पनीर का पैकेट का था सुधा का, ये मटर लगभग है 100-200 ग्राम। इसको अच्छी तरीके से एकदम फ्राई कर लेते हैं, टमाटर को भी गला लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मसाला आधा एकदम फ्राई हो गया है। मसाला का कलर देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, सुगंध तो बहुत, खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। अब इसके बाद ये हरा मटर है जो डालेंगे, क्योंकि इसको भी पकाना जरूरी है। अब हरा मटर के साथ मसाला को 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है, लग रहा है इसी तरह से खा लें। देख के एकदम मुँह में पानी आ रहा है, मस्त बनेगा पनीर, मटर पनीर। अब देखते रहिए बस। फ्रेंड, मसाला भी फ्राई हो गया है और मटर भी पक गया है। अब इसके बाद ये पनीर डालेंगे। पनीर को आज तले नहीं है, आज ऐसे ही डालेंगे। ये भी बहुत मस्त लगता है खाने में, आप भी कभी बनाइएगा। ये देखिए पनीर को एकदम बड़ा बड़ा टुकड़ा में काट दिए हैं, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। पनीर और मसाला मटर को भी 5 मिनट तक साथ में फ्राई करेंगे, जिससे पनीर भी हल्का टाइट हो जाए और मसाला अच्छी तरह से इसमें चला जाए। इसके बाद ग्रेवी अनुसार पानी डालेंगे, इसको 5 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में नमक कुछ डाले थे प्याज गलाने के लिए, पूरा नहीं डाले थे। अब ये जो ग्रेवी के अनुसार और स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अभी और इसको अभी 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे। देखिए कितना मस्त दिख रहा है मटर, तो एकदम बहुत ज़बरदस्त, और सुगंध भी, खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है और टेस्टी भी बनेगा। सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अभी ये गरम मसाला, ये कटा हुआ धनिया भी अभी डाल देंगे, पहले ही डाल देते हैं। अभी ये सबको भी 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, फिर पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। लग रहा है अभी हम खा लें, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, और दिखने में आप बताइएगा कमेंट में कि कैसा लग रहा है रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए फ्रेंड, सब अच्छी तरीके से सब कुछ अब फ्राई हो गया। अब पानी डालने का समय आ रहा है, पानी डालते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि रोटी में खाना है। अब इसको ढक के एकदम लो फ्लेम पे थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, 2-3 मिनट के लिए। बस इतना ही पानी डाले हैं, अब इसको लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं। इसको ढक दिए और देखिए एकदम लो फ्लेम है, अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, पनीर बन के रेडी हो गया, एकदम गाढ़ा ग्रेवी है। अब इसको बंद कर देते हैं और फिर आपको खाने समय एकदम टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। मटर पनीर सब्जी बन के एकदम मस्त रेडी हो गया है, इधर रोटी, इधर ये सलाद। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। मटर पनीर का सब्जी एकदम मस्त तरीके से पक के आप टेस्ट करके बताते हैं आपको। रियली में बहुत स्वाद बना है, मज़ा आ गया खा के। अच्छी तरीके से सब एकदम कुक हो गया है,
जी में बहुत टेस्टी बना है, मजाक नहीं। ये नहीं कि हम बनाए हैं अपना खाना का, खुद बड़ाई कर रहे हैं। आप कलर से भी देख सकते हैं और रेसिपी भी, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा रेसिपी। आप वीडियो के साथ बने रहें, जब तक हम खाना को फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे खाने के बाद। बहुत ज़बरदस्त मटर पनीर का सब्जी खा के फ्रेंड बहुत मज़ा आया, रियली में बहुत टेस्टी बना था। अब भी कभी ट्राई इस तरह से कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हरा मिर्चा बहुत तीता था, थोड़ा हल्का तीता हो गया है, कोई बात नहीं, मगर मज़ा आया पूरा खाने में, एकदम पूरा टेस्टी था। आपको मटर पनीर का रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।